क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। IPL 2019 के 35वें मुकाबले में बेशक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने KKR को 10 रन से हरा दिया, लेकिन 213 रनों का विशाल लक्ष्य बनाने के बावजूद एक समय मैच में RCB को हार नजर आने लगी थी। जी हां, KKR के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी के बाद विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और अकेले ही रसेल ने RCB की गेंदबाजी आक्रमण पर धावा बोल दिया। डेल स्टेन हो या मोहम्मद सिराज या फिर युजवेंद्र चहल, रसेल की मार से कोई नहीं बचा। मात्र 25 गेंदों में 2 चौके और 9 छक्के के साथ रसेल ने 65 रन जड़ दिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए गनीमत ये रही कि KKR की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने 20 गेंद पर 9 रन की बेहद धीमी पारी खेली। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉबिन की इस धीमी पारी की कीमत KKR को हार के रूप में चुकानी पड़ी। खुद RCB के कप्तान विराट कोहली ने भी कहा कि रसेल की विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर एक समय ऐसा लगा कि ये मुकाबला हाथ से निकल गया। इससे पहले विराट कोहली और मोइन अली की बेहतरीन पारियों की बदौलत RCB ने 213 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया। वहीं विस्फोटक पारी खेलने के बावजूद टीम की हार के बाद आंद्रे रसेल बेहद निराश दिखे। हार से दुखी रसेल ने कहा कि कप्तान दिनेश कार्तिक उन्हें एक ओवर पहले बल्लेबाजी के लिए भेज देते तो शायद बाजी पलट जाती। खैर जो भी हो, KKR की हार के बावजूद रसेल की धमाकेदार पारी देखकर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस गदगद हो गए।